लालू प्रसाद यादव, आप जानते हैं कि संघर्ष जो संघर्ष की उपज लालू प्रसाद यादव है, और लालू प्रसाद यादव के जिंदगी में कभी घबराहट नहीं, और लालू प्रसाद यादव का आत्मबल इतना ऊंचा है, इतना मजबूत है कि डॉक्टर को भी आश्चर्य होता है यह व्यक्ति किस ढंग से अभी भी नेतृत्व करने की पूरी ताकत और हिम्मत रख। सभी जगह से आंकड़ा मंगाया गया है और आंकड़ा मंगाने के बाद उनका रिपोर्ट होगा। एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूँ, व्यापक स्तर पर धन बल का प्रयोग इस विगत चुनाव में किया गया है, और धन बल का अगर प्रयोग कर करके कहीं न कहीं आप मानस को बदलने का काम करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। सर, जेडीयू भी नया मंत्रिमंडल में सर रिपोर्ट बीजेपी को शामिल नहीं किया है, सर क्या लगता है? देखिए हम, लेकिन हम किसी अन्य पार्टी का जो आंतरिक मामला है उस पर हम कोई कमेंट हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने, और हमने देखा कि उनकी आवाज में जो टनक है और उनका जो मनोबल जो ऊंचा है उसको देख कर करके सुन कर करके हमको काफी प्रसन्नता हुई, और हमने भी अपने को कि इसी वेवलेंथ पर हम लोगों को जाना चाहिए, कहीं भी अपने उत्साह में कमी नहीं हो। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत और उनका चेहरा हाव भाव देख कर करके हमको लगा, हमेशा यह देखने को मौका मिला, इससे हमको बहुत प्रसन्न है कि हमारे नेता, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से वो स्वस्थ हों, और पूरा न्यायालय पर हमको विश्वास है बहुत जल्दी इनको मतलब जमानत मिलेगा और हम लोगों के बीच में ये आवेंगे। बहुत धन्यवाद।